चालू है भाई। पांच दस मिनट क्यों देते भाई? अरे देखो भाई, इतना कुछ बोल दिया, फिर से दोबारा से बोलना पड़ेगा। विकी कुमार, गौरव सिंह, निर्मल, निशु, रवि, आकाश, राहुली, निशु, गौरव सिंह, आप सभी लोगों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं परवेज आलम आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है आपसे, एंड होपफुली। बोलो, ये नहीं है चार्जर यार, ये वाला नहीं है, ये लो ना, ये दे दो। बोलो कि ये नहीं, इससे चौड़े वाला जो पिन होता है, इससे एक और होता है जो। हाँ तो भाई, कैसे हो आप लोग? आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं परवेज आलम एसएससी ट्यूब पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बेटा कभी कभी मुझे भी कह दिया करो, सर आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको भी मुबारक हो, कभी बोल दिया करो मेरे लिए भी। चलो क्या पढ़ेंगे आज? आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ा देता हूँ, पूछूंगा नहीं आपसे, डायरेक्ट आपको पढ़ा देता हूं मैं, पूछना नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। हाँ मुझे चाहिए। देखो नहीं यार, प्लीज यार, पता है फोन बंद हो जाएगा मेरा। टाइप कौन सा है मुझे नहीं समझ आ रहा, चौड़े वाला जो, थोड़ा सा किसी ना किसी के पास तो होगा ही होगा, देख लो प्लीज। तो क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन आज पढ़ा दें आप लोगों को? वुड यू लाइक टू स्टडी? आप सभी लोगों का धन्यवाद, मेरे बोलने के बाद आप लोगों ने मुझे विश किया है, आप लोगों की पेनाल्टी लगेगी। बेटा ये टॉपिक ठीक है ना, पढ़ा दूं ना? वेटेज वाला है और बड़े सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना? ओहो निशु, अब इतना इमोशनल मैसेज करोगे बच्चे, मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्लीज ऐसा नहीं है ना, अपनी उम्र जिए और बहुत अच्छी तरीके से जिए, इसके लिए दुआ करना है। बच्चे आपको भी जीना है ना, आप भी अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आप जिए, आप एग्जाम में आप लोग अपने एग्जाम को क्लियर करके खुद का और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें, ये चीज है ना। बेनिफिट मिलेगा बच्चे, सब लोगों को मिलेगा, और जब तक रहूंगा लोगों को हेल्प करूंगा, ये कोशिश रहेगी बच्चे मेरी। तो क्लासिफिकेशन में बच्चे तीन प्रकार की चीजें हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है वर्ड, जिसे हिंदी में शब्द कहा जाता है। दूसरा यहां पे पढ़ेंगे हम नंबर, जिसे हिंदी में संख्या कहते हैं। और तीसरे प्रकार में हम लोग पढ़ेंगे लेटर्स, जिसे कि अक्षर कहते हैं। तो ये तीन प्रकार के चीजों को आपको पढ़ना है आप लोगों को। तो वन बाय वन करके हम लोग सारे टाइप को देखेंगे, है ना, और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। वर्ड में जैसे सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आ गया क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो एंड हॉकी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। What will be the right answer? Correct answer क्या होगा?
आपको बताना है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है बच्चों कि क्लासिफिकेशन की मीनिंग क्या होती है। तो क्लासिफिकेशन को कॉमन भाषा में ऑड वन आउट कहते हैं, और ऑड वन आउट का मतलब होता है भिन्न को अलग करें, यानी जो एक डिफरेंट होगा वो आपको हटाना है और अपने आंसर को बनाना है। डिफरेंट जो एक है उसको हटाना है बच्चों। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन। वट एवर आई एम टेलिंग यू प्लीज लिसन केयरफुली, पहले सुनना है बच्चे, है ना, पहले सुन लेना, एक बार समझ जाओगे ना तो चीजों को बड़े आराम से कर पाओगे, आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। जब कभी भी आपके क्वेश्चन वर्ड में आ जाए, नंबर में आ जाए या लेटर्स में आ जाए, आपको याद रखना है चार शब्द अगर दिया हुआ है तो उसमें तीन में कॉमन रिलेशन होगा, एक उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करेगा, चाहे शब्द हो, चाहे नंबर हो, चाहे लेटर हो। यानी चार आपको दिए जाएंगे, चार में तीन में समानता होगी, एक उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा, और जो उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा होगा दैट विल बी ऑड, और वही आपका राइट आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो जो मैंने आपको दिया है। यहां पे क्रिकेट है, फुटबॉल है, पोलो है और हॉकी है। बच्चे यहां पे जो लॉजिक होगा, स्पोर्ट्स के केस में जब कभी भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप उसको याद रखना, देयर विल बी ओनली टू कंडीशन फॉर स्पोर्ट्स। पहला कंडीशन इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स के बेस पर होगा, यानी घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले, और दूसरा जो होगा वो नंबर ऑफ प्लेयर्स पर होगा, यानी संख्या, खिलाड़ियों की संख्या पे क्वेश्चन होगा। ये कभी यहां पर नहीं होगा बच्चे कि बाकी सब में स्टिक होता है, फुटबॉल को पैर से खेलते हैं। आई कैन सी सम आंसर एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फाइंड द आंसर फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट द राइट आंसर। क्वेश्चन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ आइदर नंबर ऑफ प्लेयर्स और इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पे बच्चों 11 11 11 पोलो में नहीं होते हैं, आपका आंसर पोलो होगा। सो देयर विल बी ओनली टू कंडीशन, याद रखना है केवल दो कंडीशन होंगे। स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन अगर आता है तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। राजन गुड इवनिंग बच्चे, गॉड ब्लेस यू, नए साल मुबारक हो आप सब लोगों को। मिला देखो, हाँ थैंक यू सो मच यार, ये हो जाएगा, थैंक यू, मैं श्योर आपको देकर जाऊंगा, देकर जाऊंगा, ठीक है, क्लियर है सब लोगों का, आया समझ में सबको, जल्दी बोलो। हाँ जिसने भी आंसर सही किया है मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, आपने सही किया। तो देयर विल बी ओनली टू कंडीशन, आपको उस कंडीशन को याद रखना है जो सर ने आपको बताया है, और उसके बेस पर अपने आंसर्स को निकालना है। क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, क्या कहते हैं आप लोग, वुड यू लाइक टू टेक सम क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन मैं आपको दो बनाने के लिए, बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत टाइम हो गया यार, मैं भी एकदम तुम लोगों के लिए परेशान था यार, पता है फैमिली को छोड़कर मैं विंटर वेकेशन में घर पे, और तुम लोगों के वजह से सिर्फ आना पड़ा है मुझे, तुम लोगों की कॉल थी परवेश सर परवेश सर परवेश सर, तो मुझे आना पड़ा बच्चों, है ना। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं। हाँ जो कंडीशन राहुल मैं बता रहा हूं बच्चे, राहुल ही लिखा हुआ है, जो बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना है ना, उसको आपको फॉलो करना है, उसको ध्यान रखना है आपको। चलो
लो कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन नहीं लेना, सर है ना यहीं पे, परेशान नहीं होगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है सबको, बस क्वेश्चंस बनाइए। कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, उसको देखिए। टेप रिकॉर्डर, टीवी, ग्रामोफोन, रेडियो, एक साथ आंसर भेजिएगा, अलग अलग नहीं भेजिएगा, नहीं तो मैं चेक नहीं करूंगा फिर। आपको एक साथ भेजना है, पेन इंक, पॉट वाटर, बॉटल टॉनिक, सिलेंडर एयर। आईज, नोज, लिप्स, टंग। फ्लूट, वायलिन, गिटार, सितार। लॉयन, बेयर, चीता, टाइगर। बेक, पील, फ्राई, बॉईल। मैंगो, पपाया, गुआवा, एप्पल। कोट, शर्ट, ट्राउजर्स, स्वेटर। ट्राई करो। अलग अलग नहीं भेजो बच्चे, अभी बताया ना, अभी सब लोगों को बताया, फिर पता है एक ही बच्चे का आंसर पूरे बोर्ड पे आ जाएगा और कोई फायदा नहीं है। फिर एक साथ आंसर बनाइए फिर भेजिए, तभी मैं देख भी पाऊंगा, नहीं तो आपका आंसर आएगा स्किप हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा आंसर।
भाई समझ में आ गया मुझे, तुम लोग भी बिल्कुल रीजनिंग के लिए एकदम जैसे तड़प गए थे तुम लोग, है ना। लग रहा है तुम लोगों के आंसर को देख के, यू ऑल आर सुपर्ब यार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आंसर दिया है और बहुत तेजी में आप आंसर बनाए हो। जल्दी से कीजिएगा क्वेश्चन, जल्दी से देखिए, मैच करें, आप लोग बताएंगे, मैच किया जाए। यस सर आपको बोलना है, फिर मैं मैच करूंगा। हाँ चलिए, सब लोग आप देखिए, यहां पे सब लोग देखिएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर टीवी होगा, बाकी सारे ऑडियो मोड पर होता है, टीवी विजुअल होता है। सेकंड का आंसर बहुत कम लोगों का सही हुआ है, बहुत कम लोगों का है ना, बहुत कम लोगों का आंसर सही है। सेवन का राइट आंसर फर्स्ट होगा। वाटर इज केप्ट इन पॉट, टॉनिक इज कैप्ट इन बॉटल, एयर इज कॉप्ट कैप्ट इन सिलेंडर, इंक इज कैप्ट इन इंक पॉट। इंक को इंक पॉट में रखा जाता है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो पेन यहां पर नहीं आएगा। वॉटर इज कैप्ट इन पॉट, टॉनिक इज कैप्ट इन बॉटल, एयर इज कैप्ट इन सिलेंडर, इंक इज कैप्ट इन इंक पॉट। अब यहां पे कुछ लोगों के माइंड में अगर ये बात आती है, सर लिक्विड के बेस पे, प्लीज अंडरस्टैंड, व्हेन टू वर्ड्स कम टुगेदर, व्हेन टू वर्ड्स कम टुगेदर, एवरी वर्ड हैज ओन वैल्यू, हर एक वर्ड का अपना वैल्यू होगा। इसको इग्नोर करके आप लिक्विड वाले बेस पर जाकर आंसर नहीं फाइंड कर सकते हैं, जो ज्यादातर बच्चों ने किया है, ज्यादातर बच्चों ने किया है, लिक्विड वाले कंसेप्ट को लेकर किया है, गलत हो गया बच्चे। राहुल ही कह रहा है मेरा आंसर सही है, गॉड ब्लेस यू। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो बनेगा बच्चों, ये फर्स्ट ऑप्शन बनेगा, इंक इज कैप्ट इन इंक पॉट होगा, लेकिन यहां पर नहीं दिया है, इसलिए ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भाई बड़े खतरनाक आंसर कुछ लोगों के, और क्या लॉजिक है उसका ये मुझे नहीं आ रहा समझ में, क्या लॉजिक इसका ये नहीं समझ में आ रहा है भाई। तुमने क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लॉजिक दिया,
देखो निशु, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं तुम्हारा लॉजिक क्या है, और तुम मान जाओगे आज के बाद कि सर आप सच में गुरु हो। तुमने क्या लॉजिक दिया है मुझे पता है। तुमने ये कहा कि सर आईज नोज और टंग, आईज नोज और लिप्स ये ऐसे दिख जाते हैं, टंग के लिए है करना पड़ता है। बेटा तुम्हारा यही है कि टंग को जब तक है नहीं करेंगे तब तक टंग दिखेगा नहीं। ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये कोई लॉजिक नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट लॉजिक ये था, आईज नोज एंड टंग ऑल थ्री आर सेंस ऑर्गन्स, लिप्स यहां पर नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर लिप्स है। और बेटा कुछ लड़कों ने लगावे लू जब लिपस्टिक होठ वाला, लिप्स का जो लॉजिक जो होगा यहां पे प्रॉपर, वो लॉजिक यहां पर ये मैटर करेगा कि आईज नोज और टंग सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लिप्स यहां पर नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर लिप्स होगा। देखो विक्की कुमार का यही था, लिपस्टिक वाला लॉजिक था बेटा, इसलिए तुम्हें हंसी आ रही है, दिख गया मुझे। क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर बच्चे यहां पर फ्लूट हो जाएगा, और यहां पे फ्लूट का आंसर लॉजिक है, ऑल थ्री हैव स्ट्रिंग्स, बाकी सभी में स्ट्रिंग्स होते हैं, फ्लूट में नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में लॉयन, बेटा इसको बियर किसी ने कहा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम लोगों को। लड़कों तुम लोग तो कब, सबसे पहले जैसे मैंने बोला है तुम्हारे मुंह से बियर निकला है, बेटा ये बेयर होता है। क्या होता है? आज के बाद अगर बियर बोला तुमने तो भाई पेनल्टी है 500 रुपए की तुम्हारे ऊपर। बियर यहां पे नहीं होगा, यहां पे बेयर होगा। तो लॉयन बेयर चीता और टाइगर, यहां पर क्वेश्चन में लॉयन चीता और टाइगर ऑल थ्री आर फ्रॉम द कैट फैमिली, बिल्ली परिवार के सदस्य होते हैं, बेयर इज नॉट, दैट्स वाई आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन। तो यहां पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स में बेक फ्राई और बॉइल ऑल थ्री आर रिलेटेड टू हीट, हीट से संबंधित वर्ड है, पील का मतलब छिलका उतारना ये होता है, तो पील यहां पे करेक्ट आंसर होगा, बाकी हीट से रिलेटेड है तो इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में बड़ा कमाल का लॉजिक तुम लोगों ने दिया है, ऐसे ऐसे लॉजिक आपने दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ लोगों ने इसका लॉजिक दिया, पपाया सर साइज में बड़ा होता है, शर्म आई तुम्हें। कुछ लोगों ने कहा कि एप्पल पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए एप्पल। कुछ लोगों ने कहा कि गौवा ये एक ऐसा फ्रूट है जिसको हम सीड्स के सहित खा लेते हैं, बाकी सभी के सीड्स हमें फेंकने होते हैं। प्लीज प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैंगो हैविंग सिंगल सीड, मैंगो में एक ही सीड होते हैं, बाकी सभी में मल्टीपल ऑफ सीड्स होते हैं, तो यहां पे करेक्ट आंसर जो बनेगा वो मैंगो बनेगा। एंड क्वेश्चन नंबर एट में कोट शर्ट और स्वेटर ये तीनों अपर वियर होते हैं, ट्राउजर्स यहां पे आंसर बनेगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। करेक्ट है? मजा आ गया बेटा? इंफॉर्मेशन है तो काम हो जाएगा, नहीं है तो काम तमाम हो जाएगा। इंफॉर्मेशन है तो काम होगा, नहीं तो काम तमाम होगा। अच्छा निशु, तुम्हारा मैंगो राइट था, और वो वाला बताओ बच्चे, मैंगो तो राइट था तुम्हारा और उसका लॉजिक वही था ना? सच्ची बताना, दिल से बोलना, झूठ मत बोलना, ऐसे दिल पे हाथ रखना फिर बोलना, वो टंग वाला सर है करते हैं तब टंग दिखता है, यही था ना? जल्दी बताओ। राहुली का ऑल करेक्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, पढ़ाई करो अच्छे से, निकलेगा एग्जाम, है ना? वेरी नाइस बच्चे, गॉड ब्लेस यू। यू वॉन्ट सम मोर क्वेश्चन या सेकेंड पार्ट पर आए? सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं ना, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा,
अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों। आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो आंसर बन जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अरे मजाक नहीं करो सर, ऐसे लेते हैं लोग लॉजिक। हाँ यार जल्दी सब ये जम जाता है यार, बहुत मुश्किल से ये हटता है। हाँ सो अरे बड़े कमाल के। सर बताओ एक बात, बताओ, आओ ना इधर, आओ ना। अच्छा बताओ, तो वुड यू लाइक सम मोर क्वेश्चन या फिर मैं नंबर पे मूव करूं? जल्दी से बताओ। जल्दी बोलो। ठीक चलो एक क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं मैं, इस पे जरा बोलना तुम लोग, ऑड क्या है? ना वो नहीं लूंगा, उसका नहीं लूंगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, रुको ना। बोलो भाई जरा, ऑड वन बताओ। साहिल सर है, सुमित सर है, प्रवेश सर है और आशिमा मैडम है। व्हाट विल बी द राइट आंसर विद लॉजिक? यू विल हैव टू टेल व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन। जल्दी बताइएगा बेटा, ये नहीं लिखना प्रवेश सर बेस्ट हैं, तो ये और थोड़ी हो जाएगा। राहुल रीजन बताना है, रीजन बताओ। मोहित तुम्हें भी बताना है बच्चे। अरे परवेज सर नहीं लिखना भाई, आंसर बताना, ये क्वेश्चन दिया तुम लोगों को। पवन रीजन, आशिमा मैडम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन? देयर विल बी टू स्ट्रॉन्ग रीजन, देयर विल बी टू स्ट्रॉन्ग रीजन बिहाइंड द क्वेश्चन एंड आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले कैटेगरी अगर देखोगे मेल की और फीमेल की, स्ट्रॉन्ग रीजन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, सपोज करो कि आशिमा को आप नहीं जानते थे पहले, आशिमा सिर्फ लिखा हुआ है, मैडम आगे नहीं लिखा हुआ है। सम नेम्स आर यूज बेसिकली बोथ मेल एंड फीमेल जेंडर, मेल के लिए भी इस्तेमाल होता है, फीमेल जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है, कुछ नाम ऐसे होते हैं। लेकिन यहां पर बच्चे आपको याद रखना है, दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन होगा ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सोनेंट, आशिमा इज स्टार्टेड विद वॉवेल, सो यहां पर दोनों रीजन से इसका आंसर जो बनेगा वो आशिमा बनेगा एंड दिस विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन में आपको इसका भी ध्यान रखना है एंड रिमेंबर थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन, जब तक तीन में कॉमन रिलेशन नहीं होगा तब तक चौथा एलिमिनेट नहीं हो सकता है। क्लियर है? नहीं बेटा इंक से लिख सकते हैं उससे मतलब नहीं है, प्लीज ऐसे मत बोलो, इंक से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, यहां पे बाकी इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए कहा जा रहा है, इंक से लिखने के लिए बात थोड़ी हो रही है, इंक से लिखने वाली बात नहीं हो रही है यहां पे ना। वाटर को पॉट के साथ कनेक्ट करना है, एयर को सिलेंडर के साथ कनेक्ट करना है, तो लिखने वाली बात कहां से आ गई?
दोनों वर्ड में आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा ना, तब जाकर आपके आंसर बनेंगे। ऐसे कैसे बन जाएगा? चलिए अब आप लोग ये चीज सीख गए हैं और यस यू कैन डू, आप कर सकते हैं, इसको बन जाएगा आप लोगों से। चलो आते हैं अगले प्रकार पे और अब लेते हैं हम लोग नंबर। जैसे कि ज्ञात होता है संख्या से, तो आपको यहां पर बच्चों ध्यान रखना है कि नंबर में कुछ सर्टेन रूल्स होंगे क्वेश्चन के लिए, जिसको आपको यूज करना है अपने क्वेश्चन में। मतलब नंबर के क्वेश्चन प्राइम पे आधारित होते हैं, नंबर के क्वेश्चन स्क्वायर पर आधारित होते हैं, नंबर के क्वेश्चन क्यूब पर आधारित होते हैं, मल्टीप्लाई पर होते हैं, डिवाइड पे होता है और सब्ट्रैक्शन पे होता है। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। और जब कभी भी आपके क्वेश्चन में बड़ी संख्या आ जाए, चार डिजिट, पांच डिजिट, छह डिजिट्स, अगर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको याद रखना है वो क्वेश्चन एडिशन के ऊपर बेस्ड होगा और ये इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो आपने क्या देखा, नंबर के पास, नंबर पे जब क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन प्राइम पे आधारित, स्क्वायर पे आधारित, क्यूब पे आधारित, मल्टीप्लाई पे, डिवाइड पे, सब्ट्रैक्शन पे, और जब फोर डिजिट्स, फाइव डिजिट्स और सिक्स डिजिट्स का आ जाएगा तो वो एडिशन के ऊपर जाएगा। अब यहां पर आपको जरा समझना है चीजों को, बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसको आपको फॉलो करना है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इसमें। अब यहां पर प्राइम अगर आप लोगे, बेटा ध्यान से प्लीज इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करा रहा हूं मैं। प्राइम अगर हम लेंगे तो तीन नंबर आपको प्राइम मिलना चाहिए, स्क्वायर लेंगे तीन नंबर स्क्वायर मिलना चाहिए, क्यूब लेंगे तीन नंबर क्यूब मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई लेंगे तीन समान अंकों के साथ मल्टीप्लाई, डिवाइड लेंगे, डिवाइड करने के बाद तीन जगह पे सेम प्रोडक्ट, सब्ट्रैक्शन लेंगे, माइनस करने के बाद तीन जगह पे समान संख्या, और एडिशन वाली बात जब कभी भी आएगी, नंबर को ऐड करने के बाद तीन समान संख्या आपको प्राप्त होगी, एक वहां पे डिफर होगा और जो डिफर होगा वो आपका राइट आंसर होगा। यहां तक अगर क्लियर है तो सब लोग यस सर बोलिए मुझे। यहां तक अगर क्लियर है तो सब लोग मुझे यस सर बोलेंगे। अब जरा एक क्वेश्चन देखो, तुम लोगों को कितना समझ में आया है ये अभी के अभी पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना समझा। एक क्वेश्चन देखो, 12 144, 13 156, 15 180, 16 176, बताओ बच्चों इसमें तुम्हारा आंसर क्या होगा। देखे तुम्हें कितना समझ में आया वो मुझे देखना है। बताओ व्हाट इज द राइट आंसर। क्या हुआ, फिर कोई और आया था क्या रवि? मुझे नहीं पता है रवि क्या हुआ था, किसी और की क्लास लगी थी क्या? बेटा मुझे बताओ पहले, किसी और की क्लास लगी थी क्या?
किसकी लगी थी क्लास और कब थी? किसकी और कब? नाम बताओ, कब लगी थी क्लास और किसकी लगी थी, जरा बताना मुझे। अब यहां पे 12 × 12, 13 × 12, 15 × 12, 16 × 11, फोर्थ ऑप्शन यहां पर बनेगा और ये आपका राइट आंसर होगा। तो आप क्वेश्चन में याद रखिएगा, पवन गलत हो गया बच्चे तुम्हारा, तुमने फर्स्ट ऑप्शन बता दिया था और तुम्हें अभी मैंने बताया था, अभी जस्ट तुम्हें बताया मैंने कि कभी भी क्वेश्चन में जो चीज हम लेंगे वो तीन जगह पर अप्लाई होना चाहिए। आपने क्या किया, 12 144 परफेक्ट स्क्वायर है बेटा, अगर इस स्क्वायर का कंसेप्ट ले रहे हो तो तीन जगह पे स्क्वायर दिखना चाहिए ना, एक के बेस पर तीन को तो अलग नहीं कर सकते हो, हमेशा तीन के बेस पर एक अलग होगा, तो यहां पे गलत हो गया ना। आपको क्या सिखाया, इसमें से जो ऑप्शन आप लेंगे वो तीन जगह पे अप्लाई होना चाहिए। अब देखिए तीन जगह पे हो रहा अप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे लेकिन तीन जगह पे होना चाहिए ना, एनालॉगी थोड़ी चल रहा है ये, स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे, किसने पढ़ा दिया है स्क्वायर को प्रेफरेंस देंगे। थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन, जो चीजें पढ़ा रहा हूं उसको समझो ना, थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन। ऑड का मतलब क्या है, अभी तुमने क्या किया, साहिल सर, सुमित सर, अजय, साहिल सर, सुमित सर, परवेज सर, आशिमा मैडम, क्या किया तुमने, तीन कॉमन निकाला ना, तीन पुरुष श्रेणी में एक महिला श्रेणी में, तीन कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, तो तीन कॉमन किया तब तो एक ऑड निकला, एक के बेस पर हम तीन को थोड़ी अलग कर देंगे, मेजॉरिटी पार्ट को लेके माइनॉरिटी करते हैं ना, चार समुदाय के लोग हैं, अब जिसमें जो सबसे कम होगा वो ऑड होगा ना। ठीक है, इसको ध्यान रखना है बच्चों, ये याद रखेंगे, थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन एंड देन आफ्टर आपको आंसर बनाना है, तो जो भी रूल लोगे वो तीन जगह पे अप्लाई होगा। भाई ये सब कब हो जाता है रवि, मुझे पता ही नहीं चलता भाई, कब किया इन्होंने, क्या कर रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम है यार, क्लास के बाद बात करूंगा इनसे मैं, समझ गए, कुछ भी करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ये। पता नहीं यार क्या क्या करते हैं इन लोगों यार, क्या दिक्कत होती है इनको समझ में नहीं आती है मुझे, कुछ कुछ करते ही रहते हैं ये लोग। चलो कोई नहीं, तुम अपनी तैयारी करो, ज्यादा मत सोचो, देखते हैं क्या करना है। चलो कुछ क्वेश्चन करोगे, 145, 197, 325, 399, फाइव सिक्स नाइन एट, सेवन एट नाइन फोर, नाइन एट सिक्स फाइव, एट सेवन नाइन थ्री, बाईस तीन, 36 5, 28 7, 43 6,
64, 9, 36, 36, 216, 49, 343, हाँ जी, आंसर सबके बन गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, देखिएगा। अच्छा, यहां पर एक चीज बताना बेहद जरूरी है बच्चों, याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस को आप बनाएंगे तो एक चीज ध्यान में रखना है कि नियर अबाउट कभी भी स्क्वायर या क्यूब का फॉर्मूला आ जाए, नियर अबाउट स्क्वायर और क्यूब नंबर आपको दिख जाए बेटा, वहां पे और कोई रूल मत लगाना सिवाय स्क्वायर और क्यूब के, ठीक
फिर से एक बार बता रहा हूं, नियर अबाउट स्क्वायर और क्यूब आपको मालूम होना चाहिए, वो अगर आपको दिख जाए तो वहां पर कोई और रूल नहीं लगेगा सिवाय स्क्वायर और क्यूब के। जैसे 145 12 स्क्वायर प्लस 1 होता है, 196 14 स्क्वायर प्लस 1 होता है, 325 18 स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 399 20 स्क्वायर माइनस 1 होगा। यहां पे आंसर 399 होंगे और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। आई बात समझ में? बहुत लोगों का आंसर मैं देख रहा हूं सही है, बहुत लोगों का। आकाश वेरी गुड बच्चे, निर्मल बहुत बढ़िया, मोहित बढ़िया आंसर किया है, शिखा गलत हो गया तुम्हारा, गौरव सही है आंसर, आकाश सही है आंसर, रवि वेरी नाइस, पवन बेटा तुम्हारा भी गलत हो गया आंसर। तो नियर अबाउट स्क्वायर क्यूब अगर मिलेगा तो स्क्वायर का नंबर आपको याद रखना है आसपास के कि वहां पे प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, ये चलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप सब लोगों ने बेहतरीन आंसर किया है, इसका एडिशन आपको 27 मिला, बाकी सभी का एडिशन आपको 28 मिला, तो ठीक है 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 22 में 3 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 36 में 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 28 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 होगा, 43 में 6 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 होगा। आंसर जो यहां पर बनेगा थर्ड ऑप्शन बनेगा और ये आपका राइट आंसर होगा, यानी इन दोनों संख्या को जब हम भाग दे रहे हैं तो सभी में रिमाइंडर 1 आ रहा है, यहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर में ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का क्यूब, यहां पर नहीं मिल रहा है, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये 6 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, 7 का क्यूब यहां पर मिल रहा है, आंसर 936 बनेगा और ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहां पर इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये प्रोसेस आप लोग देखोगे एंड अकॉर्डिंगली अपने आंसर को बनाओगे। क्लियर है? क्लियर हुआ? वेरी गुड। तो प्रायोरिटी नहीं रखना है रवि, प्रायोरिटी नहीं होता बच्चे इसमें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि थ्री मस्ट हैव कॉमन रूल्स, थ्री मस्ट हैव कॉमन रिलेशन एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड ऑड वन। तो ये प्रोसेस यहां पर आप लोग यूज करोगे, इस तरीके से आप इसको बनाओगे। अब इसके बाद बात आती है लेटर की। लेटर के किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक रूल बता देता हूं, आज तक के इतिहास में रीजनिंग में कोई टीचर सिर्फ एक रूल से क्वेश्चंस आपको बताना नहीं सिखा पाएगा, केवल एक रूल, यानी लेटर आपके नंबर और वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आपको जरूर दिखेंगे और ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको क्या करना है उसको देखना है। जैसे क्वेश्चन आ गया बी डी जी आई पी एन डब्ल्यू वाई, क्वेश्चन आ गया डी जी एल एस एम पी एस वी एच के पी डब्ल्यू, पांच बजे ना, हाँ हाँ ठीक है, एच के पी डब्ल्यू के एन एस जेड। अब बच्चों क्या करोगे बेटा, आज के बाद और कोई रूल माइंड में रखना ही मत, जैसे क्वेश्चन दिखे लेटर की पोजीशन, जैसे क्वेश्चन दिखे लेटर की पोजीशन लिख लेना है। कोई भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपको बस एक काम करना है, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है सिवाय सर ने बताया है परवेज सर ने कि लेटर की पोजीशन लिख लो। जैसे ही लेटर की पोजीशन लिखोगे वैसे ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। दो में दो प्लस करने पे चार होता है,
सात में दो प्लस करने पे नौ होता है, 16 में माइनस दो करने पे 14 होता है, 23 में दो प्लस करने पे 25 होता है, यानी सभी में प्लस का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, सात और 12 में पांच का डिफरेंस, 16 19 में तीन का डिफरेंस, 11 16 में पांच का डिफरेंस, 14 19 में पांच का डिफरेंस, हर जगह पांच का डिफरेंस है, एक जगह पे तीन का डिफरेंस है, आपका आंसर बना एंड दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। सो इन दिस वे वी विल हैव टू फाइंड। बच्चे आकाश ध्यान से करना, जो सर ने रूल बताया है सिवाय उस रूल के और कुछ नहीं करना, लेटर का क्वेश्चन जितने मिल जाए जहां मिल जाए एक रूल फिट करना है और अपने आंसर को बना लेना है। चक दे फट्टे नब दे किले, आज के बाद ये चीजें आपसे कभी आपको मिस्टेक नहीं करेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपके आंसर्स 100% सही बनेंगे। सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू। बड़े दिनों के बाद आपसे मिला, अच्छा लगा मुझे भी। होपफुली क्लास आपको बहुत मजा आया होगा, एंटरटेन किया होगा, बहुत कुछ सीखा भी, हंसाया भी आपको, डांटा भी आपको, पढ़ाया भी आपको, एंड डेफिनेटली आज आप लोग कुछ सीख कर जा रहे हो। सो यस थैंक यू सो मच, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड यस अगेन आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, बाय बाय।